तो गाइस आज के इस नए वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप का मॉडल येलो टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम ऐप को यूज करके वो भी बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस अगर आप लोग भी इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा बात के बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपना जिस भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को आप लोग लाइटरूम पर ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हो आप लोग मैं आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाने के लिए ये वाला फोटो को लाइटरूम पर ऐड कर लिया हूँ। ऐसे आप लोग भी अपना फोटो को लाइटरूम पर ऐड कर लीजिएगा और फोटो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को इस एडिट का ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इधर पर आप लोगों को लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को लाइट का ऑप्शन में चलाना है। आने के बाद इधर पर आप लोगों को एक्सपोजर मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पर एक्सपोजर का आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा माइनस करना है। तो माइनस करके आप लोग -0.20 तक रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट मिल जाएगा, तो आप इसका हाईलाइट को भी आप लोगों को हल्के से माइनस करना है। तो इसे आप लोग माइनस करके -45 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को शेडो मिल जाएगा, तो यहाँ पर शेडो का आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करना है। तो शेडो का आप लोग +64 के आसपास रख लीजिएगा। और आप लोग इधर पे ब्लैक्स मिल जाएगा, ठीक है, एकदम नीचे, तो यहाँ पर इसका ब्लैक्स को आप लोगों को माइनस करना है। तो ब्लैक्स को आप लोग -11 तक रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आप लोग ऐसे चले जाने कलर्स का ऑप्शन में। तो ये रहा गाइस कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इधर पर आप लोगों को सबसे पहले टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर को +24 के आसपास रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आप लोगों को टीन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप लोग टीन को +43 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेंस मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेंस को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इसे आप लोग +10 के आसपास रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आप लोग ऐसे चले जाए मिक्स टूल में। तो ये रहा गाइस ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को चले जाना ऑरेंज कलर में। और ऑरेंज कलर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आप लोग सैचुरेशन के यहाँ पर -36 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को लुमिनस को इस तरीके से इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप लोग लुमिनस को उतना ही इंक्रीज कीजिएगा जितना भी आप लोग अपना स्किन को व्हाइट चाहते हो उतने यहाँ पर आप लोग लुमिनस को इसका इंक्रीज करके रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखेंगे, +18 के आसपास हमें भी रख लेते हैं। और इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग ऐसे चले जाने येलो कलर में। और येलो कलर में जाके यहाँ पर येलो कलर का ह्यू को आप लोगों को फुल डिक्रीज करके -100 करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग येलो कलर का सैचुरेशन को भी थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो इसका सैचुरेशन का आप लोग -52 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोग चले जाने ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर में जाके यहाँ पर भी आप लोगों को ह्यू को फुल डिक्रीज करके -100 करना है। और सैचुरेशन की तरफ आप लोग क्या करना है, प्लस करके +100 करना है। नेक्स्ट गाइस आप लोग कैसे चले जाने सीएन कलर में। और सीएन कलर में जाके आप लोग इधर पे ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ह्यू को इंक्रीज करके आप लोग +63 के आसपास रख लीजिएगा। और सैचुरेशन को भी आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो सैचुरेशन का आप लोग +18 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोग चले जाने ब्लू कलर में। और ब्लू कलर में जाके यहाँ पर आप लोग को ह्यू को थोड़ा सा माइनस करने, माइनस करके इसे आप लोग -35 के आसपास रख लीजिएगा। और सैचुरेशन का आप लोग को इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग +56 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना काम हो जाने के बाद आप लोग चले जाने पर्पल कलर में। पर्पल कलर में जाके आप लोगों बस पर्पल कलर का ह्यू को ही डिक्रीज करके -100 करने। देन गाइस ऐसे आप लोग सिंपल से डन करने। और डन करने के बाद अभी आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग पूरा एडिटिंग को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोग चले जाने कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में। तो ये रहा गाइस कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस इधर पर आप लोगों को थर्ड नंबर का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने। ठीक है, क्लिक करते ही इधर पर आप लोग हाईलाइट स्टोन में यहाँ पर आ जाओगे जैसे कि देख सकते हो। तो हाईलाइट स्टोन में आप लोग इस तरीके से चलाना है। देन गाइस इधर पर आप लोग एक एरो का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसी एरो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करने। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस इधर पर आप लोगों को हाईलाइट स्टोन का ह्यू दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हाईलाइट स्टोन का ह्यू का अमाउंट को आप लोगों को +152 के आसपास रख लेने। ठीक है, और आप लोग इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो यहाँ पर सैचुरेशन का आप लोग इंक्रीज करके +33 के आसपास रख लीजिएगा। देन गाइस ऐसे आप लोगों को और कुछ नहीं करने, इधर से आप लोगों को सिंपल से डैन कर लें। डैन करने के बाद अभी आप लोग ऐसे चले जाने इफेस्ट का ऑप्शन में। ठीक है, तो ये रहा गाइस इफेस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्चर को आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करने, तो टेक्चर को आप लोग यहाँ पर +15 के आसपास रख लीजिएगा। और आप लोगों को इधर पर क्लैरिटी मिल जाएगा, तो आप इसके क्लैरिटी को भी आप लोगों को हल्का से इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग +33 के आसपास रख लीजिएगा। और इधर पर आप लोगों को डीएज मिल जाएगा, तो यहाँ पर डीएज को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो डीएज को आप लोग ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा, +11 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना काम हो जाने के बाद अभी आप लोग ऐसे चले जाने बिगनेट का ऑप्शन में। जाने के बाद गाइस इधर पर आप लोग को बिगनेट के अमाउंट को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बिगनेट को माइनस करके -40 के आसपास रख लीजिएगा।
और आप लोग को इधर पे मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो आप इसका मिड पॉइंट की इधर पे आप लोग को प्लस 19 का एक्सप्रेस रख लेने, रखने के बाद इधर पे आप लोग को फेदर को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप इसका फेदर को आप लोग इंक्रीज करके प्लस 100 कर लीजिएगा। नहीं इतना काम हो जाने के बाद गाइस इधर से अभी आप लोग को चले जाए डिटेल्स का टूल में, ठीक है, जो कि रहा डिटेल्स का टूल। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले शार्पनिंग सिलेक्ट हो मिलेगा, तो आप उसके शार्पनिंग का अमाउंट को आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करें ताकि आप लोगों का फोटो के ऊपर शाइन आ सके। और उसके बाद आप लोग ऐसे चले जाने नॉइस का ऑप्शन में, नॉइस में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग नॉइस इरिटेशन को इस तरीके से इंक्रीज कर लेने, थोड़ा सा प्लस 48 के आसपास रख लेने। और उसके बाद आप लोग चले जाने कलर नॉइस इरिटेशन का ऑप्शन में, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग कलर नॉइस इरिटेशन का अमाउंट को आप लोगों को इंक्रीज करने, ठीक है। तो इसे आप लोग इंक्रीज करके प्लस 52 के आसपास रख लीजिएगा, और ये करने पर हो गया क्या दोस्तों, आप लोगों का जो फोटो है वो यहाँ पर फटेगा नहीं, स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो और इतना काम हो जाने के बाद आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों का जो फोटो है वो यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। जैसे कि हमारा मॉडल का फोटो को आप लोग देख सकते हो, एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये रहा फोटो का बिफोर एंड आफ्टर, देख तो पूरा एडिटिंग यहाँ पर हो चुका है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना फोटो को एडिटिंग कर लीजिएगा, और फोटो को एडिटिंग करने के बाद फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपली ऊपर शेयर का ऑप्शन प्रेस क्लिक करने, क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन प्रेस क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। और हाँ गाइस, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।